नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा LDC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2013 के वेटिंग लिस्ट की वरीयता सूची जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट को किस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है के संदर्भ में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत हमें LDC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2013 का लिंक दिखाई देगा। दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। पंचायती राज LDC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2013 कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस लिस्ट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। यहां पर राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनकी सूची यहां पर दी गई है। वर्तमान में जालौर की जो वरीयता सूची है वो जारी की गई है। तो जालौर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने वाले 170 पदों का श्रेणीवार वरीयतानुसार सूची। तो यहाँ पर जो सूची है उसका अवलोकन हम कर सकते हैं। अस्थायी वरीयता अनुसार प्रतीक्षा सूची आरक्षित वर्ग है। इस PDF फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर भी जिलेवार PDF फाइलें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नागौर के जोधपुर के संदर्भ में। तो दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार PDF फाइल डाउनलोड होगी। टोटल पद है 442। जिलावार जो श्रेणीवार जो अभ्यर्थियों की जो सूची है वो जारी की गई है। इस PDF फाइल को भी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे राजसमंद के बारे में। तो राजसमंद की जो लिस्ट है वो भी जारी नहीं की गई है। इसी तरह से सीकर की जो लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है 14/9/2022 को। इस PDF फाइल को भी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अलवर की बात करें तो अलवर की जो PDF फाइल है वो फिलहाल अपलोड नहीं की गई है। इसी तरह से हम बात करेंगे पाली की, तो पाली की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। इसी तरह से हम बात करेंगे सवाईमाधोपुर, इसकी लिस्ट अभी PDF फाइल अपलोड नहीं की गई है। इसी तरह से हम बात करेंगे उदयपुर के बारे में, तो उदयपुर की भी जो लिस्ट है वो अभी नहीं आई है। इसी तरह से हम प्रतापगढ़, 15/9/2022 को जो प्रतापगढ़ की जो वरीयता सूची है वो जारी की गई है 79 पदों हेतु। इसी तरह से आप इन पर क्लिक करके जिलावार जो वरीयता सूची है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जिलों की जो वरीयता सूची है अभी नहीं आई है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो PDF फाइल है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि अपने जो जिले की जो वरीयता सूची है, कट ऑफ लिस्ट है, जारी हुई है या नहीं हुई है।
तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।